भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी इसी घर में करूंगी। दीदी दीदी, तेरे को लड़की पसंद है ना? माँ को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है, तेरे को पसंद है के? हाँ भैया, भाभी तो मेरे को बहुत पसंद है। आप इसी लड़की से शादी करना, देखो कितनी सुंदर है। भाई साहब, मैं ये रिश्ता पक्का समझू क्या? ठीक है बहन जी, हमें भी आपका लड़का पसंद है और ये रिश्ता भी मंजूर है। पापा, आप भी ना कमाल करते हो, अच्छे अच्छे मंजूर है, आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, लड़का तो मुझे भी पसंद है, पर कुछ सवाल जवाब तो कर लूँ ना इच्छे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अच्छा, तो फिर आप ये बताओ कि आप काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा काम मेरा लकड़ी का काम, मेरे नीचे हजारों काम करते हैं, नौकर छोकर, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें पटापट तेजी से बढ़ रहा है अब। अच्छा, तो आप ये बताओ, आपको गाली चलानी आती है क्या? अच्छा, गाली चलाई नहीं जाती, गाली तो दी जाती है, गाली दूं? अरे मूर्ख, गाड़ी चलाने को पूछ रही है कि तुझे आती है कि नहीं चलानी। गाड़ी, घोड़ा, मारुति वैन, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल, जहाज, घोड़ा गाड़ी खूब चला लेता हूँ। बल्ले बल्ले बिटिया, कोई और सवाल पूछना रह गया तो पूछ लो, अभी तो टाइम है। नहीं पिताजी, ओके लाइक। अरे मैं तो बाटो में ना चाय पीनी भूल गया, ठंडी होगी। अब मैं बहुत कुटू माँ, मैं छाड़ी में खूब नाटूंगा, ऐसे 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 पैसे डाऊंगा, वो बैंड बाजे बजाऊंगा, खूब मस्ती करूंगा। अब चुप कर, ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? भाई साहब, मुझे ये बताओ, आप दहेज में क्या दोगे? देखिए बहन जी, ये तो बिचौले से हमने पहले बात की थी, हमारी दहेज देने की कोई औकात नहीं है। अरे मैं तो 5 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी लूंगी, तब तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, वरना मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ, मुझे मंजूर नहीं है ये रिश्ता। अले अच्छे कैसे रिश्ता तोलती है, जब मेरे पापा ने बिचौलिए से पहले ही बात कर ली थी कि हम दहेज नहीं दे सकते, आपको बताया था ना, तो अब कैसे आप दहेज मांग ले हो, भूलिया कहीं की? हे बदतमीज, अकल नहीं है क्या तुझे बोलने की? बुढ़िया अपनी माँ को भी ऐसे बोलती है क्या? तो तुझे अक्ल नहीं है क्या, जब पहले दहेज को मना किया था तो अब दहेज कैसे मांग लिए? मैंने बिचौले से कहा था कितना कारोबार है बड़ा मेरे लड़के का, तो हमें दहेज चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी चाहिए, तो ये रिश्ता मंजूर है, वरना मैं चलती हूँ। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, ये पैसे नहीं देंगे तो मैं विदेश कैसे जाऊंगी, और इसे 5 नहीं 10 लाख रुपए लेने चाहिए इनसे तो। हाँ बेटा, तुमने सही पकड़ा, अब इनसे 5 नहीं पूरे 10 लाख रुपए लेंगे, वरना ये रिश्ता कैंसल। अच्छे कैसे रिश्ता कैंसल माँ जी? जब आप अपनी गाली लेकर हमारे घर में मुझे देखने आए हैं ना, तो पूरे गांव वाले ने आपको देखा था, और पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि गुलाबों के घर में रिश्ते वाले आए हैं, और अब आप रिश्ता कैंसिल करके चले जाओगे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, लोग तो कहेंगे कि गुलाबों में कमी है, अच्छा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। हाँ तो तेरे बाप को बोल 10 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी दे दे, इस हाथ रिश्ता पक्का हो जाएगा, वरना मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अगर दे देगा दहेज तो मुझे मंजूर है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। माँ जी, आपको ना छलम आनी चाहिए, आपकी भी एक बेटी है, कल छे आपके रिश्ते वाले जो आपके घर आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे, वो आपसे दहेज मांगेंगे, तब आप क्या करेंगी? अच्छा, मेरी बेटी की रीस कर रही हो तुम, हमारा इतना बड़ा करोड़ों का कारोबार है,
हम तो अपनी बेटी को 50 लाख रुपए नगद और एक बड़ी गाड़ी देंगे, तुम भी बोलो तेरे बाप को दे देगा? माँ जी, अगर इतना बला कालो बाल है ना, गाली है, पैसे है, 50 लाख नगद दोगे तो फिर हमसे दहेज में आप 10 लाख रुपए और गाली क्यों मांग ले हो? आपकी बेटी तो कह लिए कि इसकी पढ़ाई का खर्चा भी मेरे दहेज से उठेगा। अरे वो तो हम दिखावे के लिए ले रहे हैं, हमारे सरीके में हमारी नाक कट जाएगी कि बहू क्या लेके आई है दहेज में। तो माँ जी, इसका मतलब आपको एक अच्छी बहू नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज चाहिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब अगर मंजूर हो तो बोलो। मेरी माँ और छुटकी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर 10 लाख रुपया ना दिया तो ना मैं बनूंगा दूल्हा, ना चढ़ूंगा घोड़ी और रिश्ता कैंसिल। चमड़ी, ओए हकले, बात तो दिल को ढंग से करने आती नहीं और कल बली बली बातें, रिश्ता कैंसिल, रिश्ता ये, रिश्ता वो, 10 लाख रुपए दे दो तो कुछ छलम नहीं आती दहेज मांगते हुए। अभी तो कहला था लड़की मेरे को पसंद है और अब 10 लाख रुपए। चुप कर तुतली, खुद को तो बोलना नहीं आता, मेरे बेटे पे उंगली उठा रही है। हकला, तेरे को आता है कुछ बोलना? माँ जी, मेरे को सब कुछ आता है, समझ गए ना आप? आता है तेरे को, कुछ नहीं आता तुझे? आपको पता है मुझे क्या क्या आता है? घर का छाला काम करना आता है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन। आपको पता है मैं खाना कितना अच्छा बनाती हूँ, क्यों पिताजी? हाँ बेटा हाँ। पूरे गांव में पूछ लेना, गुलाबों के हाथ से जिसने खाना खाया है ना, आज तक अपनी उंगलियां चाटते उंगली। मटर पनीर की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी, शाही पनीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हर तरह की मिठाई बना लेती हूँ। और एक और खासियत है मेरी, पता है आपको, जो टेढ़े लोग होते हैं ना, उनको सीधा करना भी मुझे अच्छे तरीके से आता है, क्यों पिताजी? हाँ बेटी। ऐसा काम कर, तेरे बाप को एक होटल बना दे, तुझे सब कुछ तो आता ही है, रंग बिरंग की मिठाइयाँ बनाना और बेचना। देखो माँ जी, मेरे ना बाप तक मत जाना, वरना मेरे से बुला कोई नहीं होगा। हाँ, अपनी जुबान बंद कर वरना खींच लूंगी बाहर, समझी? अच्छा, देखो पिताजी इनके लक्षण। देखिए बहन जी, आपकी हद में रहिए, हमारी बेटी में चलिए कमियां निकालने, आपके हीरे जैसे बेटी को तो देख ले, बोलता नहीं क्या, समझ आ नहीं रही, ये है वो है। रहने दो, तुम्हारी बेटी भी कोई हूर परी नहीं है, तुतली है, इसे कुछ बोलना नहीं आता ढंग से, समझे? तो तेले बेटे में कौन से हीले जले हुए, छरी कह दो पापा, आप हीले जैसा नहीं है, कंकल जैसा है, कंकल जैसा। हाँ बेटा हाँ। रहने दे, बड़ी आई है, हीरे देती है ये तो। माँ तोतली, टुप कर जा, टुप करा दे। ओए हकले, चुप कर जा, फालतू ना बोल, वरना ना छीदा कर दूंगी मैं, चल को समझ गया ना? तू भी टोटली है। ए बंदरिया, चुप हो जा वरना खींच के दूंगी कान के नीचे, समझी? माँ जी, बात की छुलवात है ना, आप दोनों माँ बेटे ने की है, और छोली छोली आप दोनों नहीं, आप तीनों माँ बेटा और बेटी ने की है, समझ गए आप? हमें जरूरत नहीं है ऐसी की, हमारे बेटे का कारोबार बहुत बड़ा है, इसे तो लड़की मिल जाएगी, इसे कौन लेके जाएगा तुतली को? लेन दो माता जी, अगर जरूरत नहीं है ना तो ये बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख ले हो, फुतलो यहाँ से आप भी। थूकती हूँ ऐसे रिश्ते पे, लात मारती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे रिश्ते की, समझी? अपनी बेटी को घर पे रखना बिठा के। अरे थूकोगी क्या आप, तो माले गल की चाय भी चात चात के पी गए, भूखी गई की ना हो तो। फिक्की थी, बोली नहीं मैं तो, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे का ब्याह करना है यहाँ पे, इतनी घटिया चाय बना के लाई, पता नहीं घर का क्या क्या सामान खराब करती होगी। माँ जी, मैंने आपको चाय तो पिलाई ना, आप तो माले का लिस्टा देखने आए, आप तो 10 रुपए की केले लेके भी नहीं आए, खाली हाथ आ गए नंगे कहीं के। जबान संभाल के बोलो, आई है बड़ी तू तमीज वाली, तेरे बाप ने यही सिखाया है क्या? कहती है केले केले लेके नहीं, तू 10 गुल्ले बनाती, खिलाया मेरे को, थूकी चाय पिला दी। देखिए बहन जी, आपकी हद में रहिए, अगर हमारा गुस्सा फूट गया ना तो ठीक नहीं रहेगा। अबने आपने कहीं देखा नहीं है गुस्सा, समझे? देखो माँ जी, मेरे पिताजी की तरफ ना यूं आंखें निकाल निकाल के बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात बता लूं मैं।
अपने पिताजी और तुम इसी घर में सड़ते रहो, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी। तो उठ के भाग जाओ ना यहाँ से। भाग जाओ, यही सीखा है तुमने? माँ होती तो कुछ अक्कल देती। ये ऐसी नहीं मानेगी बेटी, इनका इलाज करना ही पड़ेगा। चुप कर बुड्ढे। रुक जा बुढ़िया, मेरे पिताजी को बुड्ढा बोल रही है। दीदी हमला। माँ देखा, दहेज मांगने का नतीजा। जाओ भैया को बचाओ, देखो बेचारे को कैसे पीट रहे हैं। अरे मेरी तो पीठ में दर्द है, मैं कैसे बचाऊं उसे? मुझे क्या पता ये चुड़ैल ऐसे करेगी। नागिन है नागिन। अच्छा तुम्हें चाहिए 10 लाख रुपए और एक गाड़ी दहेज में। अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ दहेज नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए। मैं आपका घर जवाई बन के रहूंगा, मेरे को माफ कर दो। आप मिठाई बनाना, मैं हलवाई के बर्तन मानूंगा, आपकी हलवाई की दुकान खोल लेंगे आप। और मेरे को ना राम से बहुत मारा आपने, मेरी माऊ लालची है दहेज की। अच्छा तो अब तेरे दिमाग में आई है अक्कल कि दहेज नहीं लेना है ना? तो चल खलाओ और 3 कच्छे में खा, तब तो कुछ हो दूंगी मैं। चल खा। मैं दहेज नहीं लूंगा, किसी से दहेज नहीं मांगूंगा, मैं आपकी सारी उम्र सेवा करूंगा, मैं ससुर के पांव दबाऊंगा, मैं बर्तन भी मांजूंगा।